नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिया और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भक्ति मंत्र में। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। दोस्तों, आज हम श्री दुर्गा सप्तशती के 7वें, 8वें और 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार है। महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी, जो सिंह पर बैठी हुई थी, देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े, तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली, लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खड़ग धारण किए हुए तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नर मुंडों की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी, वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पार्थ रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी, और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भर उनको दांतों में पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितनी उसकी मार के मारे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया, और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए, इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हो। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था, उसके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूम शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केश पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है, अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा कहते हैं कि वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकारी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती का यह 7वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। दोस्तों, आज हम श्री दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार है। असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उदायुद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं, और कंबु नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं, और कोटिवेरी नामक 50 सेनापति और धौम्रकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, दौहरिन, मौर्य और काल के यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करें।
भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को भी और बढ़ा दिया। धनुष की टंकोर, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल, महानाग का कंकड़ पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुण पर सवार होकर शंख, चक्र, श्रांग, गदा, धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराही, वाराह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंही भी आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्र भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गिदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभो, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित हो, उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो, देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से भी विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों का क्रोध और भी बढ़ गया। वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खंडवांग से कुचलने लगी। ब्रह्माणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडलों का जल छिड़क कर दैत्यों के वीर्य व बल को नष्ट कर देती थी और इसी प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाले कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी और ऐंद्री के बाजू के प्रभाव से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बाराही ने कितने ही राक्षसों को अपनी थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों को ही विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंही अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण करने लगी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गई।
इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्त बीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्त बीज गदा हाथ में लेकर इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान तथा महापराक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सब के सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब इंद्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और इंद्री ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महासुर उत्पन्न हुए जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भी भय हो गया। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपनी मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्र घात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उसने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। तदांतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका की खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र बाण खड़ग तथा रिष्टि इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्दत होकर नृत्य करने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। दोस्तों, अब हम 9वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार है। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृतांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ व निशुंभ ने जो कर्म किया वह सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए दौड़े और महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर वाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंचा देखकर देवी ने अपने छुप्रभ नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला।
तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके दो टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जल भून गया और उसने देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्की के प्रहार से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया, देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार से मरने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी आठ बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकोर का भी अत्यंत दुसह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मत चूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और दसों दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिव दूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध आया। फिर अंबिका ने उसे, अरे दुष्ट, खड़ा रह, खड़ा रह, कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपनी महोलका नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक व्याप्त हो गया और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने इससे पहले के शब्द को जीत लिया। शुंभ के छोड़े बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्र आदि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कूपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड़ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया। अभी वह निकलने भी न पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिव दूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और बाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों को नष्ट करके उन्हें यमलोक भेज दिया और इंद्री से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए, कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती का नवा अध्याय भी संपूर्ण हुआ। आगे की कथा हम श्री दुर्गा सप्तशती के अगले अध्याय में जानेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।